Assalamu alaikum students, it's me Gilani from the Nexus Education System. In today's session, we are going to discuss about the balance of gases by plants, which is given on page number 27 and 28 of your Oxford Science book. Students, many people will tell you that plants carry out photosynthesis in the daytime and respire at night. That is not true. Like animals, Plants respire all the time and photosynthesis only happens during the day. This means that the net gas exchange from a leaf depends on the light intensity. The overall effect depends on the time of day and light intensity. In sunlight, plants make oxygen by photosynthesis. They make more than need for respiration and so the spare oxygen goes into the atmosphere. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नाइट टाइम की तो रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो इसलिए गैस एक्सचेंज का पैटर्न भी डिफरेंट होता है सो so, स्टूडेंट्स रात में हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द डे एंड नाइट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन ऑक्सीजन ओवरऑल प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन वाइल एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन दैम दे कीप द दैसेज इन द एटमोसफियर इन बैलेंस इसका फ़ायदा ये है कि इस तरह एटमासफियर में गैसेज ऑफ बैलेंस बरकरार रहता है और तमाम एनिमल्स अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और इस वजह से प्लांट्स को हम ज़मीन के लंग्स भी कहते हैं क्योंकि जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स की मौजूदगी की, की वजह से इसकी एबजॉर्बशन होती रहती है वो इसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं और अर्थ इस तरह से नीट एंड क्लीन रहती है अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ना ले रहे होते तो हर तरफ रेस्परेशन का प्रोसेस होता हर तरफ कार्बन डाइऑक्साइड होती और लाइफ ज़मीन पर कब की ख़त्म हो चुकी होती एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और हिट द बेल आइकन टेक केयर अल्लाह हाफिज